फांसी पर लटकाया गया है। ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था, आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है, आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटिशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटिशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटिशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी निर्भया के साथ, लोग शर्मसार हुए थे, हमारा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन फाइनली देर से ही सही, लेकिन आज हमारी जुधिष्ठिरी ने इन चारों को फांसी देकर साबित किया कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगा। पूरी जो कानूनी प्रक्रिया रही है, इसमें बड़े दांव पेच सामने से चले गए, बहुत सारी चीजें रही, ये अपने आप में बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इस केस में एक एक करके पटीशन डाली गई, तीन तीन बार फांसियां पोस्टपोन हुई, तो कहीं ना कहीं इसी केस के माध्यम से हमारे कानून में जो कमियां थी वो सामने आई, और हमें न्याय के नाम, न्याय जिसको हम कहते हैं, अपने संविधान को न्याय कहते हैं, आज उसी संविधान पे सवाल उठ गया था, लेकिन फाइनली आज इन चारों को फांसी हुई। और एक बार इस न्याय व्यवस्था पर फिर हमारा विश्वास, हमारे देश के बच्चियों का विश्वास बना रहेगा, क्योंकि देर से ही सही इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला, आगे भी हमारे देश को इंसाफ मिलेगा। बस ये है कि हमें धैर्य बना के लड़ाई लड़नी है। दूसरी बच्ची 8 सालों में 70 बार टूटे होंगे, 70 बार बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, नहीं आने वाली है, लेकिन ये लड़ाई हम बच्ची के जाने के बाद शुरू किए थे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, ये संघर्ष देश के बच्चियों के लिए था, निर्भया के इंसाफ के लिए था, निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन आगे भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि हमारे देश में बच्चियों को न्याय मिले और ऐसा दुष्कर्म ना। निर्भया की दूसरी बेटियां सेफ फील करेंगी इसके बाद? मैम, भारत की दूसरी जो बेटियां हैं, क्या वो सेफ फील करेंगी इसके बाद, आपके न्याय मिले, बेटी के नाम मिलने के बाद? क्या परिवर्तन क्या मान रही हैं आप? एक बार बोलने दीजिए। हां मैम, बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी, कि कहीं ना कहीं इन चारों के फांसी के बाद जो हम कहते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना है, समझाना है, तो अपने आप परिवार सिखाना शुरू करेगा, माँ बाप सिखाना शुरू करेगा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो जैसे इन चारों को फांसी हुई है आपको भी बच्ची की तस्वीर की आंखों में आंखें डाल के अब बात कर सकें कि मैंने न्याय दिला दिया? बड़ी जी, मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिल गया, आज शांति मिल गई। वकील मैडम, नहीं ऐसा हमने कुछ भी नहीं सोचा है कि नहीं हम जश्न मनाएंगे या खुशियां मनाएंगे, लेकिन फाइनली हमें आज तसल्ली हुई कि जो 7 साल पहले हमारे बच्ची के साथ क्राइम हुआ था, जिस तरह से बच्ची ने तड़प तड़प के दम तोड़ा था, तो फाइनली आज उसको इंसाफ मिला और चार दरिंदों को फांसी। मैं अगर निर्भया आपसे सुनेगी तो क्या कहेगी आपसे? अगर निर्भया आपकी बात उनकी सुन रही है, निर्भया आपसे क्या कह रही है आज? आपसे अपनी माँ से क्या कह रही है निर्भया आज, अगर आप सुन सकती है अपनी बेटी की आवाज़? जी, निर्भया क्या कहेगी ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आज गर्व से कहूंगी कि मुझे अपने बेटी पे गर्व है कि आज उसके नाम से दुनिया ने मुझे सलाम किया और आज निर्भया के माँ के रूप में दुनिया जानती है, तो मुझे, मैं बचा नहीं पाई, उसके साथ क्राइम हुआ, ये हमेशा दुख रहेगा, लेकिन मुझे गर्व है कि आज अगर वो होती तो एक डॉक्टर की माँ कहलाती, लेकिन आज
निर्भया के नाम से मैं जानी जाती हूँ, तो मेरे जो मैंने उसको इस दुनिया में लाई थी मैं बचा नहीं पाई, लेकिन उसको इंसाफ मिला और मेरा जो एक ममता का माँ का धर्म होता है आज पूरा। सरकार से अपील करूंगी कि बाकी केसों में इतना वक्त ना लगे। नहीं आ पाते हैं उनके पेरेंट्स समाज के डर से, क्या उनके पेरेंट्स को आप बोलना चाहेंगी बाहर आए अपने बच्चों को इंसाफ दिलाएं? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, क्योंकि भाई एक मिनट के लिए करवा दो यार, जब तक हम सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ क्राइम होता रहेगा। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे से ऐसे केसों में इतना वक्त ना लगे, तो ये भी अपील करेंगे सरकार से कि फास्ट कोर्ट हो, मैम फास्ट कोर्ट हो, जल्द ऐसे केसों की सुनवाई करके मामला खत्म किया जाए। जी बिल्कुल करेंगे। अभी 23 तारीख को जो सरकार की याचिका है तो हम जाएंगे, उस पर सुनवाई है और हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक नया गाइडलाइन निकाले कि जिस तरह से निर्भया के केस में ढीले टैक्टिक्स अपनाई गई है वो बाउंड हो, एक समय बाउंड हो कि अगर एक से ज्यादा मुजरिम है एक साथ उसको फांसी होनी है तो एक साथ ही वो मर्सी करे, दयाचिका करे और एक समय के अंतराल करे। आशा, आशा जी दूसरी निर्भया नहीं होगी ना? आशा जी, आशा जी, आशा जी दूसरी निर्भया नहीं होगी ना? आशा जी।